फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है खाने की अशिया से इंसानों को जो एलर्जी हो सकती है, उसकी अलामत और किन किन चीज़ों, खाने वाली अशिया, फल या गंदम वगैरह, ये कोई भी चीज़ है जिससे आपको एलर्जी हो सकती है, उसकी अलामत के बारे में आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ आते हैं। कुछ चीज़ों से लोगों को एलर्जी होती है और कुछ को इनका मैदा जब कबूल नहीं करता है। जैसे एक इंसान जैसे कहता है कि मैंने फौरन खाना छोड़ दिया, मुझे एकदम से बहुत बेचैनी होने लगी, मेरे मुंह में से जलन मेरे मुंह में जलन होने लगी और मेरी जुबान जो है वो सूज गई, मेरा सर चकराने लगा और मेरी सांसें उखड़ने लगी, मेरे बाजू और गर्दन पर दाने निकल आए, लेकिन मैंने अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश की क्योंकि मैं समझ गई थी कि मुझे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना चाहिए। यानी ये इस इंसान की कैफियत हो सकती है जिसे खाने की चीज से एलर्जी है, चाहे वो फ्रूट है या किसी भी और सूरत में। बहुत से लोग जो हैं वो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन बाज़ लोग कुछ खानों से परहेज करने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि जैसे अभी आपके सामने एक कैफियत इंसान की बताई गई कि उसके लिए इन्हें खाने की कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है। जैसे इस इंसान को जो एलर्जी होती है वो बहुत शदीद थी। जैसे पहले बयान किए गए इंसान की कैफियत जिसको एलर्जी थी वो बहुत ज़्यादा शदीद थी, लेकिन के जिस जिस क्योंकि उसको खाना छोड़ना पड़ा क्योंकि उसको बेचैनी और मुंह में जलन और जुबान जो है सूज जाना, ऐसी कैफियत थी। तो क्योंकि ये शदीद थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि खाने पीने के ज़्यादातर चीज़ों से इतनी शदीद एलर्जी नहीं होती। यानी ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये मसला इस हद तक हो सकता है, यानी बाकी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं होता। यानी मेजोरिटी में जो लोग हैं उनको ऐसी कोई कैफियत नहीं होती है, यानी उनको हर चीज़ हजम है। कुछ लोगों को तो हर चीज़ हजम है, अगर आपने कहीं नोट किया हो, जिनको खा रहे होते हैं, खाते हैं तो खा रहे जा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन ये बहुत कम लोग तादाद में जिनको एलर्जीज वगैरह के इशू होते हैं। कुछ खानों से एलर्जी क्यों होती है? एक रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें बताया गया कि के खाने पीने की चीज़ों से होने वाली एलर्जी के हवाले से माहरीन की जो है वो फर्क परख रहा है, लेकिन ज़्यादातर माहरीन ये मानते हैं कि एलर्जी जो है वो हमारी कुव्वते मुदाफ़त यानी इम्यून सिस्टम जो है, यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाला जो निज़ाम जिसको इंग्लिश में इम्यून सिस्टम कहते हैं, की वजह से शुरू होती है। खाने पीने की किसी चीज़ से होने वाली एलर्जी की वजह इस चीज़ में मौजूद है वो प्रोटीन होते हैं। यानी अगर जिस बंदे को हो रहा है ये मसला, वो प्रोटीन वजह हो सकती है। आपके इम्यून सिस्टम गलती से ये समझ लेता है कि ये प्रोटीन जो है जिस्म के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा जब ये प्रोटीन जिस्म के अंदर दाखिल होती है तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी यानी एक किस्म की प्रोटीन बनाता है जिसको अमीनिया ग्लोबियन यानी ई कहा जाता है। ये एंटीबॉडी जो है जिस्म में दाखिल होने वाले प्रोटीन के खिलाफ वो लड़ती है। फिर जब कोई शख्स दोबारा वो खाना खाता है तो जिसमें वो प्रोटीन होती है, तो ये एंटीबॉडी जो है वो कुछ केमिकल्स बनाती है जिसमें हिस्टामिन नामी केमिकल भी शामिल होता है। आमतौर पर ये जो केमिकल होता है इम्यून सिस्टम में एक मुफीद किरदार अदा करता है, यानी इंसान के लिए मुफीद है इम्यून सिस्टम में। लेकिन इसलिए माहिरीन अभी तक ये नहीं समझ पाए कि ये जो केमिकल है इसकी वजह बनने की वजह से लोगों में एलर्जी की अलामत क्यों जाहिर होती हैं, ये नहीं समझ पाए माहिरीन। लेकिन ये क्योंकि कम लोगों में इशू होता है तो इसलिए शायद अभी तक ज़्यादा सर्च नहीं हो।
इन अलामत से वाजह होता है कि जब कोई शख्स है वो पहली बार कोई खाना खाता है तो शायद उसे एलर्जी ना हो, लेकिन जब वो वही खाना दोबारा खाता है तो उसे एलर्जी हो जाएगी। मैदा कुछ खाने बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाता? जिस तरह बाज लोगों को खाने पीने की कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, इसी तरह बाज लोग ऐसे होते हैं जिनका मैदा खाने पीने की कुछ चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस मसले का ताल्लुक निज़ाम हजम से होता है, यानी आपके इम्यून सिस्टम से नहीं, इन निज़ाम हजम से इसका ताल्लुक है आपके इम्यून सिस्टम से। इसलिए इससे में कोई एंटीबायोटिक्स नहीं बनती हैं, असल में खाना हजम ना होने की वजह तो एंजाइम है, एक कीमियाई मादा उसकी कमी हो सकती है, या फिर खाने में मौजूद कुछ खास केमिकल जो मैदे में आसानी से जज़्ब नहीं होते। इसकी एक मिसाल यह है कि कुछ लोग दूध में मौजूद जो शक्कर को हजम नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मैदा जो है वो एंजाइम नहीं बनाता जो दूध से बनी चीज़ों में मौजूद शक्कर को हजम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। चूँकि खाना हजम ना होने की सूरत में एंटीबायोटिक्स नहीं बनती हैं, इसलिए इनकी अलामत किसी वक्त ज़ाहिर हो जाती है जब एक शख्स पहली बार कोई खाना खाता है, यानी ये फ़ौरन होता है। जिस इंसान को इस चीज़ से एलर्जी होगी वो फ़ौरन उसके मुंह में नवाला जाते ही हलक से उतरते ही वो ज़ाहिर हो जाती है। जब एक शख्स पहली बार कोई खाना खाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि मैदा इस खाने की थोड़ी बहुत मकदार तो हजम कर लेता है, लेकिन अगर उसे ज़्यादा मकदार में खाया जाए तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके बरक्स जिन लोगों को खाने पीने की किसी चीज़ से एलर्जी होती है, इनके लिए इसकी थोड़ी सी मकदार भी जानलेवा साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि गो विद द फ्लो। अब ये जिसको उर्दू में आप कह सकते हैं कि हवा के रुख चलना, यानी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ये बात है, क्योंकि बार दफ़ा आप जब मुखालफ सिमत यानी जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही, चाहे जहीं भी जहाँ भी हैं, स्कूल कॉलेज और दफ्तर, घर में हैं, कहीं भी हैं, तो जब आप उस चीज़ के ऑपोजिट चल रहे हो, चाहे आप सही भी हों, तो नुकसान आपका खुद का ही है। यानी ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए नुकसान ही साबित हो सकता है, तो आप खुद को साबित करने की बजाय कोशिश करें कि गो विद द फ्लो, यानी कि हवा के रुख चलना शुरू कर दें, ना कि लोग, क्योंकि मुखालफ सिमत में अगर चलेंगे या ओपोजिट चल रहे होंगे तो आपका खुद का नुकसान है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप भी हवा के रुख चलना शुरू कर दें, लेकिन ये ज़हन में रखें कि खुद को भी सेव करें और दूसरों को भी। अगर किसी का भला हो सकता है तो उस सिचुएशन के हिसाब से आपने अपना रिएक्शन देना है या अपना काम करना है, लेकिन खुद को भी सेव करें। तो फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ आते हैं कि खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी की अलामत ये हो सकती हैं कि गले आँखों या जुबान की सूजन, जिस्म पर दाने, ख़ारिश होगी, मतली यानी वॉमिटिंग वगैरह, उल्टियाँ या दस्त, लूज मोशन हो सकते हैं। जिन लोगों को ये शदीद एलर्जी होती है, ये उनके अलामत हैं। इनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता है, यदि लो ब्लड प्रेशर हो गया, यानी चक्कर आ सकते हैं, वो बेहोश हो सकते हैं, यहाँ तक कि इनके दिल की धड़कन भी बंद हो सकती है। एलर्जी की ये अलामत बड़ी जल्दी शिद्दत इख्तियार कर सकती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है। एलर्जी किसी भी खाने की वजह से हो सकती है, लेकिन ये आमतौर पर ये इन चीज़ों की वजह से होती है जिसमें दूध है, अंडे, मछली, खोलदार जानवर जैसे कि झींगे, केकड़े वगैरह, मूंगफली, सोयाबीन, मेवा जात मसल, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू और गंदम वगैरह भी हो सकती हैं। एक शख्स को एलर्जी की, ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं, यानी कोई एज नहीं है, यानी एज के किसी भी इंसान को हो सकते हैं। जब मैदा किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो इसकी अलामत अमूमन एलर्जी की अलामत से कम खतरनाक होती है। इसकी अलामत ये होती हैं कि पेट में दर्द होना, पेट फूल जाना, गैस होना, मरोड़ पड़ना, सर दर्द होना, जिल्द पर दाने होना या थकन, बेचैनी होना। लोगों का मैदा आमतौर पर इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। दूध, गंदम, ग्लूटन जो है वो गंदम के आटे में मौजूद प्रोटीन होता है, उसको कहते हैं, और अल्कोहल यानी शराब और खमीर वगैरह। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपको नॉलेज की बात
लगती है कि दूसरों के साथ शेयर होनी चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं वीडियो के वाले तो ज़रूर कमेंट में लिखें इसको। कोई टॉपिक चाहते हैं कि आपके लिए बनाया जा सके उसको भी कमेंट में लिखें, और साथ आगे फ्रेंड्स के साथ तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।